वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज ही मैं कोरिया से आया लगभग 15 घंटे की जर्नी करके, और आज ही मैं जा रहा हूँ दिल्ली। लेकिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ एयर इंडिया प्रीमियम इकोनॉमी में। तो हाँ भाई, ये व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब दबा दो। आज तक मैंने एयर इंडिया के सारे एक्सक्लूसिव जर्नीज दिखाई हैं आपको, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो 777 का बिजनेस हो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सुपर सुपर एक्सक्लूसिव प्रीमियम इकोनॉमी, जो कि इसी साल मार्च में लॉन्च हुआ है। और ये पहले लॉन्च हुआ मुंबई सैन फ्रांसिस्को वाली फ्लाइट में। अभी भी मुंबई सैन फ्रांसिस्को, बेंगलुरु सैन फ्रांसिस्को में प्रीमियम इकोनॉमी है। इंडिया में पहले सिर्फ विस्तारा के पास प्रीमियम इकोनॉमी था, अभी एयर इंडिया के पास भी है। लेकिन एक सेक्टर में डोमेस्टिकली आप ट्रैवल कर सकते हो, वो है मुंबई टू दिल्ली। इसमें हम आज ट्रैवल कर रहे हैं प्रीमियम इकोनॉमी में। ये है भाई सुपर एक्सक्लूसिव कंटेंट। पिछले 20 घंटे से मैं सोया नहीं हूँ और दुनिया के उस कोने से इस कोने तक आया हूँ। अभी जो है एक और व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है। मेहनत है बहुत पीछे, ठीक है। तो व्लॉग को लाइक करना, ज़रा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, तो मुझे जान के थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी मैं हूँ मुंबई के टर्मिनल 2 में। मैंने अपनी बहन को दिया अभी कॉस्मेटिक्स सारा, जो उसके लिए मैं लाया था कोरिया से, और ये दो सामान लेके हम जा रहे हैं दिल्ली। ऑल्सो अगर आप प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करते हो, प्रायोरिटी चेक इन, प्रायोरिटी सीट्स, एक्स्ट्रा लेग स्पेस, प्रीमियम मील्स, सब कुछ मिलता है। और लगेज का जो लिमिटेशन है वो आप ज़्यादा कैरी कर सकते हो अपने साथ। तो ये है भाई टर्मिनल 2 अपना, यहीं से अपनी फ्लाइट है। और अभी बस आगे वाले गेट से चलते हैं अंदर। पहले तो ये दो सामान को भाई कराएंगे चेक इन सबसे पहले, क्योंकि भाई इन दोनों को कैरी करूंगा तो मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगा। कोरिया में ठंड पड़ने लग रही थी, मम्मी बता रही हैं कि अभी नॉर्थ इंडिया में भी हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। तो मुंबई में तो फिलहाल बहुत गर्मी है, तो अभी फिलहाल यहाँ तो गर्मी है, बट आई होप नॉर्थ में अच्छा मौसम मिले और ठंड की थोड़ी बहुत मतलब वो महसूस हो यार। हो गया, अब गर्मी हो गई। हम आ गए अभी मुंबई मंडल 2 के अंदर। अभी देखते हैं एयर इंडिया काउंटर्स किधर हैं। आपको काउंटर्स भी अलग मिलेंगे, इकोनॉमी और बिजनेस और फर्स्ट के अलग अलग काउंटर्स मिलेंगे, बट प्रीमियम इकोनॉमी के काउंटर्स अभी फिलहाल शायद नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये एक सेक्टर में चल रही है फिलहाल और धीरे धीरे मतलब और भी ज़्यादा हो जाएगी, बट आपको प्रायोरिटी चेक इन मिलेगा। ये है एयर इंडिया के काउंटर्स जैसे, तो इंटरनेशनल वाले हैं ये। ये है भाई साहब काउंटर्स एयर इंडिया के। अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई मेरा प्रीमियम इकोनॉमी है, क्या प्रायोरिटी चेक इन मिलेगा। वैसे मिलना चाहिए भाई, पैसे तो दिए हैं एक्स्ट्रा, ऐसे मैं बताऊंगा आपको व्लॉग के एंड में, तो व्लॉग को एंड तक देखना। तो भाई मैंने बोला प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा हूँ तो अलाउ कर दिया उन्होंने। ये देखो एक्सक्लूसिव है, जो प्रीमियम इकोनॉमी का बोर्डिंग पास होता है ना, वो आपको ग्रे कलर का मिलेगा। ये है डिफरेंस, जैसे वो बिजनेस का गोल्डन था, इकोनॉमी का तो नॉर्मल रहता है ना, इसका देखो कितना डिफरेंट है ना। जो मेरा सामान था वो टोटल आ रहा था अराउंड 24 किलो का, अगर इकोनॉमी क्लास होता तो भाई लगभग मेरे 5,000-7,000 रुपए और लग जाते, बट बच गया मैं क्योंकि प्रीमियम इकोनॉमी था। और आपने देखा जो बोर्डिंग पास है वो ग्रे कलर का है, सो दिस इज लिटरली अ रेवोल्यूशन, क्योंकि एयर इंडिया की हिस्ट्री में बोर्डिंग पासेस गोल्डन कलर के रहे हैं बिजनेस क्लास में, इकोनॉमी में आपने देखे नॉर्मल से होते हैं। और अभी जो है ये जो सिल्वर सा निकाला है ना प्रीमियम इकोनॉमी, तो दिस इज वेरी डिफरेंट, और ये मतलब इट्स वन ऑफ अ काइंड। सिक्योरिटी करा के मिलता हूँ। सिक्योरिटी इज डन एज यूजुअल, सामान खुलवाते ही हैं। तो मैंने ना एक्चुअली ऑफिसर को बोला, मैंने बोला सर इंडिया में ना सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, तो कहते अच्छी बात है ना। मैंने बोला हाँ बढ़िया तो है, लेकिन चलो बढ़िया है भी और बढ़िया नहीं भी है, बट बढ़िया ही बोलेंगे गाइस। मतलब वो कह रहे थे कि भाई आप अच्छे से एयर ट्रैवल करो सिक्योरिटी के साथ, तो मैंने बोला हाँ ऑफकोर्स। एनी वे तो हम जा रहे हैं नीचे, हमारे जो डोमेस्टिक गेट्स होते हैं ना टर्मिनल 2 के, वो नीचे से हैं और इंटरनेशनल टर्मिनल सारे ऊपर हैं। मतलब ऊपर नीचे रेप्लिका है, पूरा रेप्लिका मिलेगा, बट जो डोमेस्टिक है वो नीचे से हैं और इंटरनेशनल ऊपर से। तो हम जब गए थे कोरिया ऊपर से गए थे, अभी हम दिल्ली जा रहे हैं नीचे से। तो प्रीमियम इकोनॉमी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था बेसिकली बिजनेस क्लास को थोड़ी टक्कर देने के लिए। मतलब देखो हो क्या रहा था ना कि इकोनॉमी हो जा रहा था बहुत ज़्यादा कंजस्टेड और बिजनेस हो जा रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये एयरलाइन वालों ने सोचा कि क्यों ना कुछ बीच का निकाला जाए कि जिसमें इकोनॉमी वाले थोड़े और पैसे देके अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले पाए, क्योंकि बिजनेस और इकोनॉमी में डिफरेंस बहुत था, बहुत ज़्यादा। तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए प्रीमियम इकोनॉमी आया, एमिरेट्स में आया, सिंगापुर एयरलाइंस में भी है प्रीमियम इकोनॉमी, विस्तारा में ऑफकोर्स आपने देखा बहुत बार। अभी जो है एयर इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया आफ्टर टाटा टेक ओवर। तो इस जर्नी में आप देखने वाले हो कि प्रीमियम इकोनॉमिक एक्सपीरियंस आफ्टर टाटा टेक ओवर ये टाटा ने ही इंट्रोड्यूस किया है। बिफोर टाटा प्रीमियम इकोनॉमी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी एयर इंडिया के पूरे नेटवर्क में।
तो एयर इंडिया पे ना ये देखो लिखा हुआ है इक्यूम कार्ड, इसका मतलब होता है गॉड इज वन। बहुत अच्छा मैसेज है। जब मैं अभी आया ना कोरिया से, तो मैं वॉक करके मतलब जा रहा था इमिग्रेशन के टूवर्स, तो भी मैंने ये प्लेन देखा था। देखो एक क्यूम कार्ड लिखा है भाई, बहुत अच्छा लिखा है। देखो श्री गुरु नानक देव जी 550 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन। ये तो ये है वीट टॉर्टिला फलाफल, तो जो इसकी कोटिंग है ना मैंने वीट की करवाई, और फलाफल भी काफ़ी हेल्दी हो गया, और चिपोटले सॉस है थोड़ी सी, 350 का पड़ा। तो खाते हैं फटाफट और इसके बाद फ़ोन चार्ज करते हैं, 3 बजे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट है। एक्चुअली बोर्डिंग पास देते वक्त ना उन्होंने मुझे पहले तो ग्रे वाला दिया जो आपने देखा मतलब वीडियो में, और फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे एक्चुअली विंडो सीट चाहिए, तो उन्होंने फिर दूसरा बोर्डिंग पास दिया, बट उनके पास ग्रे वाला एक ही था प्रीमियम इकोनॉमी वाला, तो वो मैंने रख लिया है एज अ सोवेनियर। ये बिजनेस क्लास वाला मिला है मुझे, आई डोंट नो चलेगा कि नहीं दानी लाउंज में, आई थिंक नहीं चलेगा। तो सिर्फ बोर्डिंग पास मेरा बिजनेस का है, लेट्स सी चलता है कि नहीं दानी लाउंज में। तो मैंने ट्राई किया लाउंज एक्सेस, बट ऑफ कोर्स गाइस लाउंज के लिए ना आपको वो लोग अलग से एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं, लाउंज कार्ड, जो कि बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए है। प्रीमियम इकोनॉमी वालों को लाउंज नहीं मिलता, इसका आप याद रखना। बाकी अगर आपके पास कार्ड आर्ड है तो उसको ऑफ कोर्स यूज कर सकते हो। तो अदानी लाउंज में एक इकोनॉमी वाला अदानी लाउंज है और एक बिजनेस वाला, दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। फिर कभी जाएंगे, वैसे मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है अदानी लाउंज बिजनेस क्लास एक बार जब मैं चेन्नई जा रहा था, अगर आपको मेरा वीडियो याद हो A320 का। That is our aircraft, Boeing 777-200LR. तो जहाँ तक मुझे पता है शायद यही है, और इसी में इकोनॉमी क्लास, और यही प्लेन जाता है सैन फ्रांसिस्को। तो फाइनली गाइज फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, और सीरियसली मतलब भाई मैं इतना एक्साइटेड हूँ, पहली बार प्रीमियम इकोनॉमी कर रहा हूँ मैं, वो भी एयर इंडिया की। तो लगभग 2 घंटे की फ्लाइट है, और लगभग 6:20 में हम पहुँचेंगे दिल्ली। हालांकि पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन वो लिखते हैं 2 घंटा 20 मिनट, बट 1 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट होगी। जा रहे हैं बैठने। ये है भाई नया एयरक्राफ्ट, बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो किसी को इसकी एज पता है ना, तो प्लीज कमेंट करके बताओ इसकी एज क्या है इस एयरक्राफ्ट की। सो दिस इज द ब्रांड न्यू प्रीमियम इकोनॉमी ऑफ एयर इंडिया। तो भाई फिर से देख लो एक बार ढंग से, 242 का कॉन्फ़िगरेशन है इसका। ऊपर जो है आप लगेज वगैरह रख सकते हो, नीचे लेग स्पेस देखो कमाल की मिल जाती है, एंड ये ब्लैक और ग्रे कलर का जो शेड है ना सीट का, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और जो सीट की विड्थ है दैट इज़ प्रिटी अमेजिंग। सामने जो है मैगजीन्स वगैरह रखी हुई हैं, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये प्लेन बहुत नया है। एंड फाइनली गाइज जो इसका टच स्क्रीन है, अब लग रहा है कि आईपैड जैसा है, स्मूथ टच एक बार में काम कर रहा है, जैसे अभी सिंगापुर एयरलाइंस का कर रहा था। तो पहले जितनी भी हमने फ्लाइट में ट्रैवल किया, इनफैक्ट जो बिजनेस क्लास था एयर इंडिया का, उसका जो IFS था बहुत ही मेस्ड अप था, बट दिस लुक्स अमेजिंग, सिंगल टच एंड यू हैव योर ऑप्शंस। उसके बाद अब आप सोच रहे होगे इसका ट्रे टेबल किधर है, तो इसका ट्रे टेबल है यहाँ से, इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस करोगे ये ट्रे टेबल आ गया। इसको मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगा वंस वी टेक ऑफ। और ये है लेग स्पेस जो कि बहुत अच्छी खासी है, मैगजीन होल्डर है, यहाँ पे ईयरफोन्स दिए हुए हैं। सिंगापुर एयरलाइंस में आपको बाहर से उठाने पड़ते थे ना ईयरफोन्स, तो इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है। एंड दीज आर दी हैंगर्स, यहाँ चाहो तो आप कुछ टांग सकते हो, अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, तो आपको लगेगा भाई साहब ये वर्थ है। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको रिक्लाइन कितनी हो जाती है, तो मैं बता रहा हूँ अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है। तो अगर आपको रिक्लाइन करनी है तो आपको ये दबाना पड़ेगा, तो आपको लगेगा जैसे आप कोई बीच के पास लेटे हुए हो। तो ये फ्लाइट जो है सैन फ्रांसिस्को भी जाती है, ऊपर लगे हुए हैं डक्ट्स, दो दो डक्ट्स लगे हैं, और ये है रीडिंग लाइट्स एक दो, मतलब भाई खुला लेग स्पेस है। अगर आप 17-18 घंटे की जर्नी कर रहे हो, या फिर 2-3 घंटे की भी जर्नी कर रहे हो, तो भाई दिस इज वैल्यू फॉर मनी। और पैसे कितने दिए ये मैं आपको आराम से बताऊंगा, सामने भी एक स्क्रीन लगी हुई है, एंड विंडो शीट्स आर वेरी क्लीन, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन उड़ने के बाद बाहर देखोगे अच्छे से, और ये एयरक्राफ्ट काफ़ी नया है, आपको पिलोज वगैरह ऑलरेडी दे रखे हैं, पहले से दे रखे हैं, उसको यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो ब्लैंकेट्स भी मंगवा सकते हो, बट आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ब्लैंकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि छोटी फ्लाइट है। इसको यहाँ रख के आराम से खाओ, और अभी भाई खाना तो देखना, अभी आपको सर्विसेज समझ में आएंगी एग्जैक्टली भाई। सो दिस इज लिटरली रेवोल्यूशनरी, कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द इंटीरियर, एंड द होल इंटीरियर लुक्स ब्रांड न्यू। तो प्रीमियम इकोनॉमी वालों को दो दो विंडो शीट मिली है, एक ये यहाँ पे छोटा सा IFS रिमोट दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको प्रेस
करता हूँ तो ये बाहर आ जाएगा। इससे आप जो है फाइनली IFS कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे होम बटन है, अगर क्रू को बुलाना है या फिर लाइट जलानी है ऊपर, रीडिंग लैंप्स, और अगर इसको बंद करना है तो ये दबा दो। ये है भाई, ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो हम पहले देखते थे वो थी आउटडेटेड। अगर इसको वापस अगर अंदर डालना है ना तो फिर खींचो, गया। यहाँ पे तीन टाइप का रिक्लाइन है, एक ये जिसमें आप बैक रिक्लाइन कर सकते हो, एक ये जिसमें आप फ्रंट ये रिक्लाइन कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये है थर्ड वाला। तो बेसिकली वो तीन बटन्स जो देखे ना आपने, उसको एक एक बार दबाओगे तो बैक, पैर और फुट दोनों को एडजस्ट कर सकते हो, और अगर फिर से दबाओगे तो सबको, तीनों को रीसेट कर सकते हो। सो हाँ, सम गुड टू नो स्टफ। और जो ये कुशन्स हैं, इट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी, बहुत कंफर्टेबल कुशन्स हैं, और इसको भी आप यहाँ से आई थिंक एडजस्ट कर सकते हो, सोने में बहुत आरामदायक बन जाते हैं। सीट क्वालिटी देखो गाइस, इट्स प्योर लेदर, ब्लू और ब्लैक शेड है, बेसिकली ग्रे नहीं है, एंड इट लुक्स अमेजिंग। सो दिस इज़ दी हैंड रेस्ट, काफ़ी मतलब अच्छा खासा ब्रॉड है। यहाँ पे आप अपना ग्लास रखो पानी का, बेवरेज का, बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है, इसमें भी ठीक है, मतलब काफ़ी बढ़िया ब्रॉड ही बोलूँगा मैं इसको। ये है हमारा ट्रे टेबल, आप समझ गए होगे ये निकलता कैसे है। सो बहुत क्लासी तरीके से निकलता है, ये देखो, इसको ये चला गया अंदर ऊपर प्रेस करने का, ये बाहर आएगा, और बाहर आके भी इसको आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो और ऐसे खोल सकते हो। इट इज़ ब्रांड न्यू, आराम से इसमें खाना खाएंगे। अभी के लिए इसको रख देते हैं अंदर वापस, जब कुछ आएगा खाने पीने को तब मैं आपको बताऊंगा। दिस इज द वॉशरूम ऑफ अ ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट। देखो यहाँ पे भी मिरर, टिश्यू पेपर, टैप, सोप डिस्पेंसर, और ये है भाई, और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। इट इज़ वेरी क्लीन एंड लुक्स एब्सोल्युटली प्रीमियम। तो अभी तो हमको पानी मिला है सबसे पहले, और एक और नई चीज़ दिखाता हूँ आपको। सीट्स के बगल में मैगजीन, पेपर्स वगैरह भी रख सकते हो, मतलब बहुत सारी जगह दी है गाइस। मतलब बिजनेस क्लास से थोड़ा ही कम होगा, 25,000 लाइक करवा दो इस वीडियो में, इंटरनेशनल बिजनेस क्लास एयर इंडिया आएगा। टैक्सिंग टूवर्ड्स द रनवे, और मैं थोड़ी पीछे वाली सीट पे आ गया। एक्चुअली गाइज ये ना, जब मैं जूम करता हूँ ना, कांच पे फोकस कर लेता है। हाँ निकल रहे हैं भाई। फाइनली वी टुक ऑफ, 736 मीटर्स हैं अभी हम ऊपर, मतलब ऑल्टीट्यूड। टाइम है डेस्टिनेशन 4:30, अराइवल टाइम 5:58। मेरी अगली फ्लाइट है 8 बजे की दिल्ली से, और अभी 1140 किलोमीटर बचा है दिल्ली। ये जब यहाँ पे आ जाएगा हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। और ये देखो भाई टाटा का लोगो, ये जो डक देख रहे हो ना, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, घुमा सकते हो अपने हिसाब से। आप चाहो तो ब्लैंकेट्स भी ले सकते हो। हमारा स्नैक आ चुका है, और ये है हाई टी, तो ये है डेजर्ट, बहुत कमाल की लग रही है, देखेंगे एग्जैक्टली क्या है। और ये है कॉर्न्स, जो कि बहुत टेस्टी होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ये है कटलरीज, जो कि वुडन मिली है। तो एज अ प्रीमियम इकोनॉमी पैसेंजर, मतलब खाने में मुझे इतना कोई डिफरेंस लगा नहीं, मुझे लगता है कि सेम इकोनॉमी वाला खाना है। हालांकि जो प्राइस पे किया है वो मैं बताऊंगा, काफी ज्यादा प्राइस है। उस हिसाब से तो सर्विसेज, मतलब खाने में कटलरीज वगैरह ऐड कर सकते थे, प्रॉपर वाली जो विस्तारा में होती हैं, और स्टील की कटलरी कर सकते थे, और खाना और ज़्यादा प्रीमियम कर सकते थे। तो खाने के ऑप्शंस मुझे मतलब लिटरली बहुत कम लगे एज अ प्रीमियम इकोनॉमी। तो अभी ये डोमेस्टिक एयरलाइन, डोमेस्टिक ट्रैवल है, तो मे बी इसीलिए ऐसा हो, बट खैर पैसे तो दिए हैं। इसमें दिखाता हूँ आपको क्या है। ये है नूडल्स, ये है चिली पनीर, चिली पनीर और नूडल्स का ऑप्शन है। चिकन में चिकन कीमा और पराठे का ऑप्शन था, तो मैंने फिलहाल ये ऑप्शन लिया है। एक एक करके टेस्ट करते हैं ये तीनों को, और मैं बताता हूँ कैसा है। तो ट्राई करते हैं पहले ये चिली पनीर, काफ़ी ऑथेंटिक लग रहा है। सिर्फ पहले पनीर ट्राई करते हैं।
तो गाइस ये चिली पनीर नहीं है, एक टाइप से आप कह सकते हो कि पनीर मंचूरियन है। काफी डिलीशियस लग रहा है, मतलब स्वीट और स्पाइसी टेस्ट नहीं है, हल्का सा मतलब मोर ऑफ मंचूरियन स्टाइल है, स्वीट स्पाइसी टेस्ट नहीं है इसका, बट अच्छा है और पनीर भी फ्रेश लग रहा है मुझे। ट्राई करते हैं ये नूडल्स और साथ में पनीर, देखते हैं भाई ये कैसा है। नूडल थोड़ा ज़्यादा ट्राई करते हैं, पनीर की वजह से नूडल का टेस्ट उतना आ नहीं रहा। नूडल ना मुझे बहुत एवरेज लगा, उतना खास नहीं लगा, 6/10 नूडल को, और पनीर को आई वुड गिव अराउंड 8.5/10। तो ट्राई करते हैं ये कॉर्न्स, ये चटपटे लग रहे हैं, खा के देखते हैं कैसे हैं। तो चाट मसाला वाले कॉर्न है एंड दिस इज स्ट्रेट 10/10 विदाउट अ सिंगल डाउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्राई करते हैं ये डेजर्ट जो कि बहुत बहुत यमी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है, ट्राई करते हैं इसको। डेजर्ट को भी आई वुड गिव अराउंड 10/10, बहुत बढ़िया डेजर्ट है, नाम मुझे नहीं पता। ये और भाई कॉर्न्स मजा आ गई, पनीर और ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा और मुझे प्रीमियम इकोनॉमी के हिसाब से बहुत एवरेज लगा। भाई कटलरी तो अलग दे सकते थे, क्योंकि गाइस देखो ऐसा तो है नहीं कि हम फ्री में जा रहे हैं भाई, पैसे दिए अच्छे खासे, बताऊंगा बाद में। जो सीट क्वालिटी है और जो लेग स्पेस जो आपको कंफर्ट मिलेगा ना, दैट इज सिंपली 10/10, नो डाउट, उसके लिए वर्थ है। आई थिंक दिस शुड बी इम्प्रूव्ड, मुझे लगता है कि हो जाएगा बहुत जल्दी। अभी चिकन कीमा मंगवाया है, वो भी टेस्ट करते हैं एक बार। मंगवा लिया है चिकन कीमा, सिर्फ मैं कीमा खाऊंगा। तो अगर आप नॉन वेज मंगवाते हो प्रीमियम इकोनॉमी में, आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और ये है वेज कटलेट, ये वेज कटलेट है, ये पराठे हैं और ये चिकन कीमा है, ये नॉन वेज आइटम्स है। मतलब नॉन वेज मंगवाओगे तो ये मिलेगा, वेज मंगवाओगे तो ये मिलेगा। अब भाई हम टेस्ट करते हैं चिकन कीमा। मैम बोल के गई थी काफी ज्यादा गर्म है। एक चीज बोलूंगा, प्रीमियम इकोनॉमी में जितना चाहे मंगवा लो, कोई टैंटम्स वगैरह नहीं मिलेंगे कि भाई नहीं ला के दे सकते या कुछ भी, जितना चाहो मंगवा सकते हो। पर वैसे तो मैं बता रहा हूँ, कोरिया में मुझे खाना पड़ा था चिकन, कोरिया के पहले मैंने चिकन टच भी नहीं किया, जापान में खाना पड़ा था। तो अभी सोच रहा हूँ कि चेन टूटी है थोड़ी बहुत, तो मैं टेस्ट करके बता ही दूंगा आप लोगों को। बढ़िया है गाइस चिकन कीमा, आपको लगेगा जैसे कोई वेज कीमा खा रहे हो, पर चिकन कीमा है, काफ़ी बढ़िया है। तो कोरिया या फिर आप कोई बाकी कंट्रीज जाओगे ना, वहाँ पे चिकन में थोड़ी हल्की हल्की आपको स्मेल आएगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया वाला चिकन थोड़ा सा सही रहता है, मतलब बढ़िया है। इसको मैं दे सकता हूँ 9/10, 8.5 मान लो, पनीर जितना ही स्वाद है इसका। ट्राई करते हैं ये कटलेट, ये हरा भरा कबाब है, बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है, इसको मैं 9/10 दूंगा। और ये पराठे काफ़ी सॉफ्ट काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, पराठों के साथ आराम से कीमा खाओ, बढ़िया लगेगा। पराठा कीमा इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब वही घर वाला खाना लग रहा है। जैसे मम्मी बोलती है ना, बेटा कीमा बना है पराठे खा ले साथ में। वैसे तो मैं एक साल से वेज कीमा खा रहा हूँ, ये कोरिया से चेन टूटी है। एनीवे, सो दिस इज द ओवरऑल फूड, सबसे अच्छा मुझे ये दोनों लगा। टी कॉफी का भी ऑप्शन है लेकिन मैंने मना कर दिया, कि मुंबई में मैंने 2-3 बार कॉफी पी ली अपनी सिस्टर के साथ, तो अभी मैंने मना कर दिया। बट आई आस्क फॉर सॉफ्ट बेवरेजेस, कोल्ड बेवरेजेस, तो वो अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट है भाई। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार प्रीमियम इकोनॉमी, क्योंकि गाइस प्राइस वैसा है प्रीमियम इकोनॉमी वाला, वो मैं बाद में बताऊँगा। बट सॉफ्ट बेवरेज भी होने चाहिए और ये कटलरीज बदलनी चाहिए, मतलब इट शुड बी प्रॉपर सिरेमिक वन, बट क्या बोलें गाइस। एनीवे, अब देखते हैं भाई, अभी देखो 11,000 मीटर अबव द सी लेवल, टेम्परेचर -50 डिग्री आउटसाइड, अभी लगभग 55 मिनट और है। एक टाइप से मैं बोलूँगा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और मेरे को अभी भी सुनने में आया है कि मतलब प्रीमियम इकोनॉमी में केटरिंग पूरी इकोनॉमी वाली दी है, तो मतलब जितना आपने खाना देखा इकोनॉमी वाला है, और कुछ भी एडिशनल सर्विसेज नहीं है प्रीमियम इकोनॉमी में। हालांकि प्रायोरिटी मिल रही है, सीट अच्छी मिल रही है, ये सब ठीक है, इसके अलावा केटरिंग मतलब सेम, और प्राइस आप सुनना बाद में। तो हाँ, दिस इज एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो ये बढ़िया है, 2-2 विंडो सीट मिलती हैं प्रीमियम इकोनॉमी में, और लेग स्पेस तो बहुत ही बढ़िया है। और एक और एडिशनल चीज़ भी है, इसको भी आप खोल सकते हो, तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल आप ट्रैवल कर सकते हो। मैं सीट की बात करूँ ना, चाहे वो IFS हो, चाहे वो हर चीज़ हो, तो विस्तारा से बेटर है, बट सर्विसेज बिल्कुल भी आसपास भी नहीं है विस्तारा के। तो एक्सप्लोर करते हैं मूवी कौन कौन सी है। आई थिंक सारी लेटेस्ट मूवीज मिलेंगी आपको, ये देखो लेटेस्ट मूवीज में सब कुछ मिल जाएगा। तो IFS भी बढ़िया ही है, नो डाउट। और सबसे इम्प्रेसिव मुझे टच लगा भाई, सब ये तो देखने को तरस गए थे। हिंदी मूवीज भी मिलेंगी आपको, फ्री डे, कोई भी चाहो आराम से देखो। और मुझे ना इसका पूरा लेआउट बहुत ईजी लगा कम्पेयर टू एनी अदर IFS। TV का भी ऑप्शन है, ये हो गए आपके शोज वगैरह। भाई डिसेंट तो शुरू हो गया है, तो आप चाहो तो ये इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से।
फाइनली वी आर इन दिल्ली और मेरी फ्लाइट है अगली 8 बजे की। तो भाई प्रीमियम इकोनॉमी में मजा तो आया, कुछ इश्यूज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और ऑफ कोर्स आपको प्राइस बताना है। प्रायोरिटी में बैग मिल जाना चाहिए, प्रायोरिटी टैग लगा था मेरे बैग में। सबसे पहला लगेज ही मेरा आया है, अभी एक आया है, दूसरा बचा है तो दूसरा भी आ गया। पहले दो लगेज ही गाइज मेरे आए हैं, प्रीमियम इकोनॉमी ट्रैवल करने का ये तो फायदा है। अभी दूसरी फ्लाइट पकड़ता हूँ, अभी इस ब्लॉग को एंड करने में बहुत टाइम है। बात करते हैं, थोड़ा सा ये कंसर्न है, मैं टाइटल में नहीं डालूंगा इसको कि बैड एक्सपीरियंस वर्स एक्सपीरियंस, बट मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियोस आखिरी तक देखते हैं। पैसे लगे हैं 8,600 रुपए फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इन प्रीमियम इकोनॉमी। अगर मैं इकोनॉमी से कंपेयर करूं तो इकोनॉमी की टिकट मिल रही थी लगभग 4,000 में, 8,500 में गाइस जो हमको केटरिंग मिली वो मतलब इकोनॉमी से भी लो लेवल थी भाई। मतलब क्या मतलब बोल सकते हो गाइज, आपने खुद देखा एक प्रीमियम इकोनॉमी वाली, मतलब खाने में तो फीलिंग नहीं थी। देखो सीट बहुत अच्छी थी, नो डाउट सीट, और प्रायोरिटी चेक इन मिल गया, सबसे पहले हम प्लेन के बाहर निकल गए, सामान भी सबसे पहले आ गया। अब गाइज यार इतना पैसा दिया तो कम से कम केटरिंग तो ढंग से हो सकती थी, और सॉफ्ट बेवरेजेस भी नहीं थे, एल्यूमिनियम के फॉइल्स में खाना आ रहा था, ये प्रीमियम इकोनॉमी वाला मतलब तो कुछ ही नहीं लगा। अगर देखो मेरा सिंपल सा मतलब है, अगर आपको नहीं बेचनी प्रीमियम इकोनॉमी सीट तो मत बेचो, लेकिन अगर बेचो और पैसा ले रहे हो इतना तो भाई कम से कम केटरिंग तो अच्छी दे दो, खाना अच्छा दे दो यार, एक प्रीमियम फीलिंग तो आनी चाहिए ना 9,000 खर्च करने के बाद। तो वो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, बाकी सामान सबसे पहले आया। ओवरऑल इट वाज गुड, एयर इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है प्रीमियम इकोनॉमी, तो इट्स अ बिग थिंग मेरे हिसाब से। कुछ ब्लॉग्स पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ब्लॉग के एंड में। आपको पता होगा कि अगर आप हैरिस ब्लॉग्स को फॉलो कर रहे हो, 4 साल पहले से लेके अभी तक हमने मतलब जितना भी ट्रैवल किया है, अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें से हमने अर्न भी किया है। तभी हम ब्लॉग्स जो 4 साल पहले बना रहे थे अभी हम अलग ब्लॉग्स बना रहे हैं, चाहे मैंने इंडिया में घूमा हो चाहे वो इंडिया के बाहर घूमा हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने ट्रैवलिंग के साथ साथ अर्निंग की है, और ये आप भी कर सकते हो। सुनने में आपको लग रहा होगा भाई तुम ये कैसी बात कर रहे हो, सुनने में तो ये बड़ा एक्साइटिंग है लेकिन ऐसा असली में भी होता है क्या? तो मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा असली में भी होता है, और मैंने अपने कोर्स में बताया है कि कैसे आप ट्रैवलिंग के साथ साथ अर्निंग कर सकते हो। और अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अगर आप मनाली घूमने जा रहे हो, या अगर मैं आपको बोलूं कि चलो आप कहीं दुबई घूमने जा रहे हो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप जितना भी आप लगा रहे हो अपना पैसा घूमने में, उससे आप 2-3 times ज्यादा अर्न कर सकते हो, तो कैसा लगेगा? ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने सच में डिस्कस किया है ये अपने कोर्स में, और मैंने अपनी 4 साल की मेहनत, अपने फेलियर्स, अपने ऑब्स्टिकल्स, आपने देखा कि मैंने शुरुआत की कहां से, और आज हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं ये सब बेसिकली इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि मैं ट्रैवलिंग से अर्न कर पाया। तो हाँ, मैंने अपने कोर्स में डिस्कस किया है एवरी साइंस एंड एवरीथिंग, बिलीव मी 599 का कोर्स है, ये 599 को आप इनटू 10 इनटू 100 टाइम्स भी कर सकते हो। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज कर सकते हो मेरा कोर्स। एंड हाँ, अपने फीडबैक भी दे सकते हो कि आपको कोर्स कैसा लगा, 20-25 मिनट का ही है, एंड यू विल गेट टू नो ऑल द सीक्रेट हाउ यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड एंड अर्न मनी। मैं आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, आई होप आपको एयर इंडिया का प्रीमियम इकोनॉमी वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। Thank you very much for watching this video guys, take care, bye bye, see you in the next vlog.